अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मार्को रोबोटिक्स। मार्को पाकिस्तान का कौमी जानवर है जो कि ऊंची ऊंची पहाड़ों में पाया जाता है। सांप भी खाता है? जी हाँ, सांप भी खाता है यार, छोड़ो इन बातों की ये चीज। अच्छा यार, अच्छा हम आजकल यार बड़ी बोरियत सी हो रही है, तो क्या करें इस बोरियत को खत्म करने के लिए? यार इस बोर जिंदगी में रंग भरने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? यार जिस तरह वो एंशियंट रोमन कैसल कैटापुल्ट होती है ना, मतलब जो किले तबाह करने वाली वो ग्लेल्स है ना, जो पत्थर मार के किले तबाह कर देती है, काफी मूवीज में देखा गया है उसे। हाँ हाँ, उस तरह की कोई चीज बनाते हैं छोटी। अच्छा, और हम ना एक डिस्क सी थ्रो करवाएंगे। आप अपना डिजाइन बनाओ, मैं अपना डिजाइन बनाता हूँ। 3D मॉडल्स को सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर पे बनाया गया है। व्हाइट मॉडल में शाफ्ट की टॉर्शनल इलास्टिसिटी को यूज किया जा रहा है और ब्लैक मॉडल में स्प्रिंग यूज किया जा रहा है डिस्क थ्रो करने के लिए। डिजाइनिंग के बाद फोसा 3D प्रिंटर ने हमतन गोश मेहनत करके बड़ी ही नफासत के साथ पार्ट बना दिए, जिसमें सरफेस फिनिशिंग रिमार्केबल है। 3D प्रिंटर की बॉडी बहुत सिंपल और खूबसूरत है। अच्छा वैसे ये चीजें हम पेडिस्टल फैन के स्टैंड पे घुमा रहे हैं। मैंने अपना कैटापल्ट बना लिया है जो कि 9 पार्ट्स पे मुश्तमिल है और ये उसामा के चैलेंज को रॉक करेगा। चलो लेट्स इसे असेंबल करते हैं। सबसे पहले ये दो बॉडी पार्ट्स हैं, इनके हम लगाते हैं फिक्स्चर ताकि ये हमारी बॉडी कहीं हिल ना सके। इसे बिल्कुल इजी असेंबली है, हमने इसमें थोड़े से बोल्ट्स नट्स यूज़ कर लिए हैं ताकि इसे फिक्स हम ठीक रख सकें। तो ये देखें, उसके बाद ये इसकी बॉडी मैंने बनाई है। इसमें बहुत ही 0.2 mm रेजोल्यूशन के साथ इसके सर्कल्स निकालने हैं जो कि बहुत ही मुझे तो डिज़ाइन में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसे लग रहे हैं। तो इसे इसकी असेंबली भी बिल्कुल नाइस और एक्यूरेटली असेंबली मैंने रखी है इसकी। ये देखिए, अब दूर से आपको लग रहा है कि ये किस तरह का होगा। ये उसकी टॉर्शनल फोर्स के लिए यूज़ करूँगा और इसमें हम डिस्क रखेंगे और इस डिस्क में हम दोनों को प्लस करेंगे इसकी एनर्जी। तो इसे भी असेंबल करते हैं। इसे थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाता हूँ। आज उसामा के चैलेंज को रॉक करना है हमने, ये देखें। और ये उसके ऊपर से मैंने इसके ताकि ये इधर उधर ना हो सके तो मैंने ये चीज़, और ये डिस्क मैंने ये प्रिंट की है। इसका पैटर्न देखें, कितना मज़े का पैटर्न मैंने बनाया है। ये जब चढ़ेगा तो पूरा एंशियंट टाइप लगेगी डिस्क। तो इसे रखते हैं, ये देखें, और ये मैं इस तरह करके इसे डिस्क पर थ्रो करूँगा। चलो उसामा, अब देखते हैं आपने क्या बनाया है। अच्छा जी, अब मेरी कैटापुल्ट की बारी है। इसमें डिज़ाइन को मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा है जो कि सिर्फ 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। आप देख रहे हैं, एक ब्लैक और ब्लू दो कलर यूज़ हुए हैं, दो फिलामेंट, और इनमें मटेरियल बहुत ही कम यूज़ हुआ। अब ये एक्सिस आपको नज़र आ रहा है, अब इसमें हम घुसाएंगे एक स्क्रू 3 mm का जो है, ये आ गया जी हमारा स्क्रू। ये देखें, अब अपने एक्सिस पे ये घूम रहा है, ठीक है। और अब हमने इधर एक स्प्रिंग बस यूज़ करना है, सिर्फ एक स्प्रिंग, और हमारी कैटापुल्ट रॉक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। देख रहे हैं आप, हमने टारगेट सेट कर लिया, वो टायर है, 10 अटेम्प्ट्स होंगी और जिसके ज़्यादा टाइम्स में उस टायर में से गुजर गए वो जीत जाएगा और हारने वाले को पड़ेंगी आधा किलो जलेबियाँ। अच्छा जी, अच्छा हम भाई बैठे हैं और अपनी कैटापुल्ट से लॉन्च करेंगे अपने डिस्क को। चले जी, अच्छा हम भाई, ये अटेम्प्ट फर्स्ट और ये पहली अटेम्प्ट फेल हो गई है। अच्छा जी, सेकेंड अटेम्प्ट अटेम्प्ट सेकंड, और ये भी पूरे तरीके से फेल। मुझे इसका राज पता चल गया है। फोर टू ये थोड़ा सा ऊपर से गुजर गई टायर के। ये 3 दफा 4 times
4 out of 8. मुझे अपनी बनाई हुई कैटापुल्ट पे काफी ज्यादा भरोसा है और मैं यकीन करता हूँ कि ये 6 अटेम्प्ट सक्सेसफुल कर देगी 10 में से. वैसे श्याम भाई ने बड़ा मुझे ना मुश्किल सा टारगेट दिया, मुझे उम्मीद थी कि इनकी एक दो ही उठ जाएगी और 5 भेज दिए इन्होंने. चले ठीक है, अब देखते हैं. चले नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेसफुल. साथ में 3 में 3 चाहिए यार. ये तो पीएसएल हो गया यार. ये तो आधा किलो जलेबियां मेरी किस्मत में लिखी जा रही है यार. 2 अटेम्प्ट रह गए, अगर 2 मैं कर लेता हूँ तो मैं बराबर हो जाऊंगा. ठीक है. मैं ये उसामा से चैलेंज जीत चुका हूँ और अब मैं डिटेल्स बताता हूँ कि एक प्रिंटर आपको किस तरह अवेलेबल होगा. आप अपने OLX पे सर्च कर लें, दराज पे सर्च कर लें. मार्फर रोबोटिक्स की ये प्रोडक्ट है, फोसा V1 इसका नाम है. फोसा V1 3D प्रिंटर के नाम से ये है और इसकी प्राइस जो उनसे रखी गई है वो मुझे जो मिला था 45K में. इसका बहुत सी एक्सेसरीज उन्होंने दी थी. SD कार्ड दिया था, DSLR वाला SD कार्ड रीडर दिया था. फिलामेंट मुझे सैंपल्स दिए थे, सैंपल कोड्स दिए थे और इसके साथ मुझे टूल किट मिली थी जो मैं इसे यूज़ करता हूँ. थैंक यू. फोसा 3D प्रिंटर लोकली मैन्युफैक्चर्ड 3D प्रिंटर है जिसको गुजरांवाला में तैयार किया गया है और ये पाकिस्तान में बहुत इजीली अवेलेबल है. नॉर्मली ये होता है कि जब हम बाहर से प्रिंटर मंगवाते हैं तो हमें टैक्स की एक बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ती है और कस्टम टैक्स और ऊपर और भी कई टैक्सेस लग जाते हैं और उसको अप्रूव करवाना पड़ता है पहले अथॉरिटीज से पाकिस्तान में मंगवाने के लिए. तो आप इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं. फोसा 3D प्रिंटर में भी वो तमाम खसूसियात हैं जो कि बाहर से मंगवाए जाने वाले प्रिंटर में देखी जाती हैं. और प्रिंटर ऑर्डर करने के बाद आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, ये 1 या 2 दिन में आपके घर में पहुंच जाएगा. और आपको ये 3D प्रिंटर असेंबल भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये फुली असेंबल्ड प्रिंटर ही सेंड किया जाएगा. तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और ख़रीदिए फोसा 3D प्रिंटर. फोसा 3D प्रिंटर, शेप योर आइडिया. थैंक यू सो मच. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल.